सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास टेस्ट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एज वेज अ मेंटोर। सर, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडीज के कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपने इन डेप्थ पढ़ना है। उसके मतलब हर एक पॉइंट आपको उस टॉपिक के बारे में बताना चाहिए और जो सीयूटी के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नाउ अब देखो, ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है। मैंने यूनिट्स वाइज यहाँ पे लिख दिया कि इसमें क्या क्या सब यूनिट्स आ रही है, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। ना देखो, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर, ये आपने वीडियो अभी क्यों बनाई है? अभी तो सीयूटी के अंदर टाइम है। देखो, इस वीडियो को ही बनाने के पीछे एक रीजन है। रीजन पता है क्या है? आप क्लास 12th की तो स्टडी कर रहे हो, साथ साथ बोर्ड्स के लिए तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो, और जो डोमेन है वो आपका बोर्ड्स, मतलब जो भी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो उसी से बनता है, राइट? बट फर्क बस इतना होता है कि वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव होते सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे आपके कुछ सब्जेक्टिव होगी, कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए, ये फर्क होता है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको बेसिकली आपको एकदम डीप में जाके प्रिपेयर करना है, क्योंकि सीयूटी में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर आपने डीप में पढ़ाई नहीं की होगी, आपने अगर इन डेप्थ स्टडी नहीं की होगी उस टॉपिक की, तो आप उसको आंसर नहीं दे पाओगे, उसका आंसर आप गलत दोगे। ठीक है, तो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपको उनको बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ाई करनी है, मतलब उसका आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सीयूटी में आपका डोमेन में कभी कहीं भी मार्क्स ना कटे। नाउ शुरुआत करते सबसे पहले हमारे टॉपिक से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका आप चैप्टर 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, देखो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो बेसिकली आपके सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मैं नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी कि बोर्ड्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ओके। एंड जब पिछली बार मैंने जो टॉपिक गेस्ट किए थे, उसमें लगभग 95% कंटेंट आया था, तो मतलब कोई हवाबाजी नहीं मारूंगा। आपके अंदर सबसे पहले जो आपका एक यहाँ पर आता है कंसेप्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, है ना? मैं चैप्टर में जाके लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, आप साथ साथ नोट करो। चैप्टर में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट। इसके ऊपर एक केस स्टडी तो हमेशा आती ही आती है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर, जिसमें आपको पता करना पड़ता है कि जो पर्सन है इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। सेकेंड केस स्टडी यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर सीवीटी, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर है? आई बात समझ में? तो बोर्ड्स के लिए याद रखना, सेपरेट वीडियो बनेगी, तो बोर्ड्स की आप चिंता मत करो, इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी ये बात हो रही है बस सीयूटी की। ठीक है, अगेन इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, और मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है बट इन फ्यूचर ही प्रोफेशन बन सकता है। ये तीन बातें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और कुछ तुमको पता नहीं करना है, है ना? अगर बात करूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अगेन जो आपके टॉप, मिडिल और जो लोअर, या जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, आपको बेसिकली इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो सेकंड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका फंक्शंस चैप्टर वन। क्लियर? थर्ड, अच्छा एक क्वेश्चन चैप्टर वन से वो बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक चैप्टर जो आपका, एक क्वेश्चन जो आपको चैप्टर वन से बनता है, फंक्शंस के ऊपर, कि आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फंक्शन है। क्लियर? आपको जैसे पता है कि इसके ऊपर तो आगे खुद के चैप्टर बने पड़े, जैसे प्लानिंग का अलग से चैप्टर बुक के अंदर है ना, ऑर्गेनाइजिंग का अलग से चैप्टर है, तो मतलब आपको बस फंक्शन पता होने चाहिए कि फंक्शंस होते हैं क्या, है ना? अगला एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के ऊपर से, इसकी है ना डेफिनेशन पे बन जाता है कभी कभी, या हाँ डेफिनेशन समझे वैसे इसकी, है ना, जो मैं बोलूँ बोर्ड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन वाला, बट अगर सीयूटी एग्जाम्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस, वो काफी इतना इतना काफी है उसके लिए ना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना सर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखो यार, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका बेसिकली ये साइंटिफिक टेक्निक्स है, जो आपकी साइंटिफिक टेक्निक्स है वो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जो कि आपकी टेलर ने दी थी। अच्छा, प्रिंसिपल्स में ना आपके लिए इंपॉर्टेंट फेओल के प्रिंसिपल्स है, वो आपको 14 पढ़ने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल सकता है कि यही प्रिंसिपल आएगा, 14 आपको पढ़ने ही पड़ेंगे फेओल के प्रिंसिपल्स। टेक्निक्स की बात करें तो देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन नहीं बनते सीयूटी के अंदर, और अगर मैं बात करूँ टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, टेलर वाले सेक्शन में से टेक्निक को उठाता है, और उसमें भी बेसिकली ज्यादातर वो क्या पूछता है, मेथड स्टडी को, वर्क स्टडी पढ़ा होगा, है ना? मेथड स्टडी काफी ज्यादा पूछता है वो, मेथड स्टडी हो गया आपका, वर्क स्टडी हो गया, ये सब है ना, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं हमेशा से, और लास्ट टाइम भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन एक इसमें टॉपिक है डिफरेंशियल पीस पे सिस्टम, जिसमें आप डिस्टिंग्विश करते हैं एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट वर्कर को, बस ऊपर ऊपर से उसका आइडिया लेना, उसको ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंट चीजें आपकी ये एक तो स्टडी और एक टेलर वाला। नाउ एक टॉपिक इसमें एक और है, बिल्कुल सही, वो सिंप्लीफिकेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा चांसेस है। ऑल दिन लास्ट टाइम में बोला था, और उससे पहले वाले में शायद ये पूछा गया था। ठीक है,
अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसमें देखो तुमको बहुत बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ना तुमने इसमें सीयूटी के लिए, इंपॉर्टेंस को छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। इम्पैक्ट जो है यहाँ पर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, इसको भी तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें तुमको मेन बताना चाहिए डायमेंशंस, डायमेंशंस के बारे में काफी ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ये किस डायमेंशन में आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट के, क्या ये लीगल है, पॉलिटिकल है, या इकोनॉमिक है, या सोशल है, या टेक्नोलॉजिकल है, तो मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसमें मेन तुमको डायमेंशन बतानी चाहिए, तुम्हारे सामने ना केस बना के दे देगा ना, वो केस कैसा होगा तुमको कुछ भी बोल देगा। मान लो कि है ना लेट सपोज कि सोसाइटी के अंदर है ना अब है ना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो तुमको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा आपका डायमेंशन है, क्लियर है। तो इसके बारे केस स्टडी दे देगा, डायमेंशन ही काफी ठीक है, मतलब इसमें और ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, डायमेंशन काफी ज्यादा सही है, इसी को पढ़ने में इसके लिए सीयूटी के लिए। प्लानिंग की बात करूँ तो प्लानिंग के अंदर देखो इंपॉर्टेंस के ऊपर तो ना ही ये तुम्हारा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस, ना ही तुम्हारा सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग के ऊपर जो तुम्हारा बनता है बेसिकली लिमिटेशन पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, लिमिटेशन दोनों के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम बोर्ड से एग्जाम लो चाहे सीयूटी लो, ठीक है। अच्छा प्लानिंग प्रोसेस अगेन इंपॉर्टेंट, देखो प्रोसेस तो जितने भी तुम्हारे सबके सब इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर तुम्हारा एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो रही है ना तो इसको छोड़ सकता है, कोई इश्यू नहीं है ना, इसको आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है। चल तो हमने फर्स्ट 4 चैप्टर की बात कर ली, अब चलते हैं चैप्टर 5 के ऊपर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। नाउ अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ तो अगेन इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मीनिंग के ऊपर तुम वही पढ़ लोगे चैप्टर 1 में, तो यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन किसके ऊपर बनेगा, तो तुम्हारा बनेगा फंक्शनल एंड डिविजनल के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या कभी कभी इसी की डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है, बोलेगा कि एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहकर मैनेजर को काम करना पड़ता है, तो बताओ ये किस चीज की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, ओके। और बहुत ही जल्द है ना मैं इस चैनल के ऊपर जो तुम्हारे पास्ट ईयर्स में जो भी एग्जाम्स हुए सीयूटी के, जो जितने भी शिफ्ट के एग्जाम्स हुए हैं, मैं उन सबके तुम्हारे चैप्टर वाइज बता दूंगा कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हर एक चैप्टर में से, ठीक है। बाइफरकेट करके तुमको बता दूंगा कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि तुम उस हिसाब से देख सको कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अभी इतने सारे एग्जाम्स तो हुए नहीं है, 2-3 साल ही हुए सीईटी के आए हुए है ना, तो इतने हम प्रीवियस ईयर पे रिलाई नहीं कर सकते, अभी तो सीईटी एनटी एक्सपेरिमेंट करेगा यार, अभी तो एक्सपेरिमेंट करेगा वो, ठीक है। अगला इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसको भी आपको पक्का करना है। अच्छा कंसेप्ट ही बस आपको पक्का करना है, इसमें आपको ये इसकी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस सीईटी के लिए रेलिवेंट नहीं है, अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, सीईटी के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए अलग सेपरेट वीडियो बना हुआ, ठीक है, तो उसके लिए चिल मारो। बात करते हैं स्टाफिंग की, सर स्टाफिंग के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, स्टाफिंग का तुम्हारा देखो एक प्रोसेस है, अब प्रोसेस भी देखो स्टाफिंग के अंदर एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस प्रोसेस का एक स्टेप है सिलेक्शन, क्या है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के अपने खुद के स्टेप्स है, तो आपको सिलेक्शन के स्टेप्स को गो थ्रू करना है, क्लियर है, आपको सिलेक्शन के स्टेप्स को गो थ्रू करना है। इसमें कुछ आपके टेस्ट भी है, सिलेक्शन टेस्ट भी है ना, आपको वो पता होना चाहिए, तो याद रखो स्टाफिंग में जो आपका प्रोसेस है पूरा, उसमें एक स्टेप है सिलेक्शन का, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफर्म क्वेश्चन होता है कि सिलेक्शन में से पूछा ही जाएगा। अच्छा और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोर्सेज, तो सोर्सेज में आपको बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि इसी को पढ़ो, नहीं भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर में से। अच्छा ट्रेनिंग डेवलपमेंट में से बात करूँ तो अगेन इसकी मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस टू कह सकते हैं पर्सन वर्कर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी सीयूटी के लिए, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको मेथड्स पता होने चाहिए ट्रेनिंग के, और उसमें भी ज्यादातर पता है क्या पूछता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग है ना एक ऑफ द जॉब, वो पूछता है वेस्टिबल मेथड बता, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो ऑफ द जॉब जिसमें आप डमी मॉडल पे काम करते हो, है ना। इंटर्नशिप के बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो वेस्टिबल के ऊपर ज्यादा पक्का करो इसको। अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूँ तो डायरेक्टिंग बेसिकली आप क्या पूछते हो, थोड़ा सा नीचे कर लेते हो अपनी स्क्रीन को। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो अगेन मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप पहले पढ़ चुके होगे मीनिंग को चैप्टर 1 के अंदर, इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसमें से किस पे क्वेश्चन आएगा, तो आपका बेसिकली यहाँ पे इंसेंटिव्स वाला टॉपिक है, ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये दोनों इंसेंटिव्स है ना यहाँ पर,
आपको इनको एकदम पक्का करना है, एकदम पक्का। देखो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी पक्का क्वेश्चन आता है और सीयूटी के अंदर भी काफी ज्यादा चांसेस के आने के, क्योंकि पिछले 2 सालों में आया ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर, है ना। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों आपको इंसेंटिव पक्का करने, मेरी तरफ से पूछो इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई नॉन फाइनेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से किसके क्वेश्चन आएगा, अगेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट कर लेना, है ना, बट कर लेना, बिकॉज लिमिटेड चीज तुमको बता रहा हूँ, तो ये कर लेना। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, और इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है अगेन। और इसमें क्वेश्चन बनता है लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप में अगेन आपको ये नहीं पता होना चाहिए इसकी क्या क्या फायदे उस लीडरशिप को फॉलो करने के, जैसे ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर्स फेयर है, ठीक है। तो आपको बस इनका कंसेप्ट बताना चाहिए कि डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है ना, और लेजर स्फीयर में क्या होता है। जिस डेमोक्रेटिक में सबकी राय लेते हैं, लेजर स्फीयर में लीडर खुद बाहर हो जाता है, आपस में कंसल्ट करके मतलब कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्लियर। कंट्रोलिंग की बात करूं, अच्छा क्या सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे सीयूटी के लिए, ठीक है। अगर बात करूँ कंट्रोलिंग के अंदर, तो अगेन मीनिंग इंपॉर्टेंस को छोड़ सकते हो तुम, कोई इशू नहीं। इसमें जो तुम्हारा एक है ना, इसमें कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी पता है एक स्टेप है, एनालाइजिंग डेविएशन करके, एनालाइजिंग डेविएशन करके, ठीक है। आप सब है ना इसको प्रॉपर तरीके से लिख लो किसी नोटबुक में कि आपको इन सब चीजों को पक्का फॉलो करना है, इनको तो एकदम इन डेप्थ स्टडी करनी है, बाकी सब आप बोर्ड के हिसाब से पढ़ो, बट जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ना उनको बहुत ज्यादा डीप में आप पहले वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से, चाहे आप सुनील पांडे सर की वीडियो देख सकते हो, किसी की भी वीडियो देख सकते हो आप, वो देख के उसके बाद चैप्टर खुद से एक बार रीड करो, खास करके इन टॉपिक्स को वर्ड टू वर्ड रीड करो, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है ना, जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए, है ना। चलो एनालाइजिंग डेविएशन की बात करें, तो इसमें आपका एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मन लगा लो कि कन्फर्म ही रहता है क्वेश्चन कि इसके ऊपर पूछा ही जाए। सीपीसी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें एक में आपकी रिजल्ट एरिया से फोकस करते हैं सीपीसी के अंदर, और एमबीए में आप एक रेंज सेट करते हो डेविएशन की, इससे ऊपर या इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्लियर। और रिलेशनशिप बिटवीन की बात करूं, तो अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर सीयूटी, है ना। आगे बात करते हैं हम बिजनेस फाइनेंस। नाउ बच्चों को पता है काफी दिक्कत हो रही थी कि सर ये बिजनेस फाइनेंस तो 11th का टॉपिक है, ये क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा बिजनेस फाइनेंस सॉरी, इसको हटा दो, इस टॉपिक को हटा दो, बच्चे जो ऊपर का बच रहा है ना मीनिंग वाला, ये जो बच रहा है ऊपर का मीनिंग वाला बिजनेस फाइनेंस, तो भाई इसके ऊपर है ना, इस कंसेप्ट पे पता है एक भी क्वेश्चन नहीं आया पिछले 2 सालों में, ठीक है। क्वेश्चन किसके ऊपर आया बिजनेस फाइनेंस के अंदर, जो आपका क्लास 12th में पढ़ रहे हो ना आप, चिल मारो आपको वही पढ़ना है, जो आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चैप्टर है ना, आपको वही पढ़ना है, वही आपका बिजनेस फाइनेंस ही है। अरे बात समझ में, तो बच्चे खाली टेंशन लेते सर बिजनेस फाइनेंस दे दिया, इसमें क्या मीनिंग रोल, भाई इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सब, तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे बनेंगे। अगेन किस पे बनेंगे सर, देखो एक क्वेश्चन है ना फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर आ सकता है, इसके कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आपका बेसिकली, एक मिनट रुको मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग जो आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जिसमें आप एक लेते हो वर्किंग कैपिटल डिसीजन, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल डिसीजन, ठीक है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेगी किसके ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगेन इसमें टॉपिक है तुम्हारा फाइनेंशियल लेवरेज वाला, फाइनेंशियल लेवरेज, अगेन इस पे क्वेश्चन बनते हैं, खास करके ट्रेडिंग और इक्विटी के ऊपर। ट्रेडिंग और इक्विटी का मतलब क्या होता है, जब हम डेट को ज्यादा ज्यादा यूज करते रहते हैं तब भी हमारा शेयर का प्राइस ऊपर जाता है ना, तो सब आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की सर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखो यार अगर मैं इसमें बात करूँ ना, तो इसमें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट, और वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, किसके, मनी मार्केट के, राइट। और इसके बाद तुमको इसमें क्या पढ़ना चाहिए, इसमें तुमको पढ़ना चाहिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तुम पढ़ लोगे, और इसके बाद तुम्हारा जैसे एनएसईआई क्या होता है, ओसीटीआई क्या होता है ना, सेबी क्या होता है, सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, ये तुमको मेन पता होना चाहिए, सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, एनएसईआई क्या है, ओसीटीसीआई क्या, और ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो सेबी के इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं सॉरी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सेबी के। और ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है ना, सोप्स करके आप याद कर सकते हो सर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मार्केटिंग चैप्टर की, तो मार्केटिंग सर क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग तुम्हारा जो क्वेश्चन है इसमें, देखो टॉपिक है पब्लिक रिलेशन वाला, तुम उसको छोड़ सकते हो, कोई क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस नहीं है, क्लियर।
ठीक है, पिछले 2 सालों में भी कोई बनी नहीं क्वेश्चन, तो इस बार भी नहीं बनेगा जहां तक मेरा आइडिया मुझे कहता है। तो क्या बनेगा सर, जो आपका बेसिकली इसमें एडवर्टाइजिंग वाला टॉपिक है ना, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक तुम्हारे यहाँ पे प्रमोशन वाले, सेल्स प्रमोशन करके, तो उस पे क्वेश्चन रीबेड ये सब आ गया है ना। और तुम्हारे किस पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बता तुम्हारा मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, एंड जिसमें तुम्हारा एक ब्रांडिंग है ना प्रोडक्ट के अंदर, ट्रेडमार्क क्या होता है ना, ब्रांड नेम क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अगेन एक तो ये प्रोडक्ट वाला पढ़ लेना इसमें, और इसमें तुम्हें एक काम करना है, इसमें तुम एक पढ़ लेना है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, प्राइस वाला मत पढ़ना, प्राइस वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम छोड़ सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस है ना, छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। सीयूटी के लिए कह रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए नहीं कह रहा मैं। अगर हम आगे बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो कंज्यूमर राइट्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, ठीक है। और इसमें तुम्हारे जैसे कुछ ISI मार्क बोलेगा, बोलेगा बताओ किससे रिलेटेड है ना, हॉल मार्क बोलेगा बताओ किससे रिलेटेड है, तो इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। रोल भी छोड़ दो, और कंज्यूमर एक्ट आपको थोड़ा बताना चाहिए कि इसमें है क्या, कौन से ईयर का है ना, तो बस कंज्यूमर राइट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में यही इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारा एक रिट्रेसल प्रोसेस है, रिट्रेसल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो भाई पूरा छोड़ दो, अभी तक इसमें तो कोई क्वेश्चन आया नहीं। मैं एकदम आखिरी में तुमको बताऊंगा, जब तुम्हारा आएगा ना एग्जाम नजदीक, पहले इतना सब कुछ रेडी करो इस टॉपिक से, बेशक तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है, बट पिछले 2 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और अगर आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा। अगेन इसके लिए मेहनत मत करो, तुमको इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा।